सदगुरु कबीर साहेब जी के ग्रंथ बीजक में एक पद है, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। साहेब जी इस पद में कहते हैं पंडितों को, ज्ञानियों को, कि ऐ ज्ञानी, तुम जो कहते हो वह झूठ है, तुम झूठी बात बतलाते हो। क्योंकि पंडित क्या कहते हैं, वो बाहर ईश्वर है ऐसा मानते हैं, और बाहर ईश्वर है उनका नाम लेने मात्र से, उनके पूजा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। साहेब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि यह बात गलत है, केवल नाम लेने से और केवल बोलने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक हम उस रहनी में नहीं रहेंगे तब तक हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। ज्यादा जरूरी है रहनी में रहना, हम रहनी तो रह नहीं पाते, रहनी आचरण में हम या कहें जो बातें हैं उनको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह कहीं दूर चला जाता है, और जो गौड़ बातें हैं उसी में फंसे रह जाते हैं। गौड़ बातें अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, यदि वह किसी कारणवश छूटता है, दूर जाता है, तो यह गलत है। एक साधक है, संत है, साधु है, घर छोड़कर आता है, किस लिए आता है, ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। साधु के प्रवचनों को सुनता है, पुस्तकों को पढ़ता है, संसार में कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, इस प्रकार से उनके मन में विचार आता है कि संसार में जब सुख नहीं है, शांति मिलने वाला नहीं है, तो मैं भी साधु हो जाऊं, उन्हीं के संगत करूं और अपना कल्याण करूं, ये जो दुख है वो हमेशा के लिए मिट जाए, इस उद्देश्य से आ रहता है। लेकिन जो उद्देश्य उनको, जो उद्देश्य चुन कर आया रहता है, सोच कर आया रहता है, वह धीरे धीरे छूटते जाता है। छूटता नहीं तो उस क्षेत्र में वह आगे नहीं बढ़ता है। कहते हैं हमारा मन एक है, यदि हम हमारा मन एक है तो वह किसी एक तरफ ही लगेगा, एक तरफ हम लगाएंगे तो उसमें जल्दी सफलता मिलेगी, उसमें हमारा लाभ अधिक होगा। यदि दो क्षेत्र में लगाएंगे तो हमारा मन बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी, तो दो मन लगाने की अपेक्षा दो क्षेत्र में मन लगाने की अपेक्षा एक ही क्षेत्र में मन लगाएं, ये ज्यादा बढ़िया है। साहेब कहते हैं पंडित बाद बदे सो झूठा, जो तुम कहते हो वह गलत कहते हो। केवल राम नाम जपने मात्र से, या हमारे यहां कहा जाए केवल अजर हम अमर हम कहने मात्र से हम अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। साहेब कहते हैं कि पंडित केवल राम नाम कहने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमें सुख मिलने वाला नहीं है। यदि हम राम नाम कहते हैं और इससे मोक्ष मिल जाए तो मीठा कहने से, खाण कहने से, गुड़ शक्कर कहने से हमारे मुख मीठे हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहेब उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से खाण कहने मात्र से हमारा मुख मीठा नहीं होगा, हमें वह स्वाद नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से राम नाम कहने मात्र से, अर्थात किसी भी जो ईश्वर मानते हैं या कहें महापुरुष के नाम लेने मात्र से हमारा जो उनके गुण है वह आने वाला नहीं है। उसके अपेक्षा तो हम नाम ना लें, लेकिन जो उनके गुण हैं, जो उनमें सद्गुण हैं, उनको जीवन में उतारें, वैसा जीवन जिए जो ऐसे जिए हैं, तब नाम लेने की जरूरत नहीं है।
केवल इतने मात्र कर उनके जो सद्गुण हैं, जैसा जीवन जिए हैं, उन्हीं को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जो ऐसा जो उनको मिला है वो चीज हमको भी मिल जाएगा। और साहब कहते हैं कि भोजन कहने भोजन भोजन कहते रहो तो तुम्हारा भूख मिटने वाली नहीं है। भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी जाई। ऐसे में तो दुनिया के लोग तर जाएंगे। केवल भोजन भोजन कह लें, कमाने खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। यदि हम साधु संगत में बैठकर उनके जैसे रटते रह जाएं, तो ये किस प्रकार से है? सुआ के सुग्गा के तरह है। केवल उनके साथ ही हम भी रटते चले जाएं और जीवन में न उतारें। जब हम दूर चले जाएंगे उन संतों से, उन समाज से, तो वह काम आने वाला नहीं है। हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने उन्हें जीवन में नहीं उतारा है। केवल मुख से बोलने और रटने की बात की है। उन्हीं तक हम सीमित रहे हैं, उन्हीं तक सीमित ना रहें। जितना जानना चाहिए कल्याण की बातें सब जानते हैं। जितने में कल्याण हो जाएगा सब जानते हैं। कमी है केवल उसको उतारने की। यदि उसी को उतारने में लग जाए तो कितना अच्छा। लेकिन हम वो काम ना करके केवल ज्ञान बटोरते रह जाते हैं। और ज्ञान यदि ना पचे तो अपच रूप में वह बीमारी का कारण बनता है। जैसे भोजन भोजन हम अच्छे अच्छे भोजन खाएं, बढ़िया बढ़िया, और वो यदि हम उसको ना पचा पाए तो पेट खराब करेगा, बीमारी का कारण बनेगा। यदि हम भी अच्छे अच्छे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते रहें और उसको जीवन में ना उतारें, उसको ना पचाएं, तो वह केवल अहंकार बनेगा और कुछ नहीं। और दुनिया में ऐसा देखा जाता है, जीवन में तो उतरता नहीं है, केवल अहंकार तर्क इन्हीं सब में काम आता है, क्योंकि जीवन में उतारे नहीं है। जो जीवन में उतारता है तर्क वितर्क से वह दूर चला जाता है। गुरु जी की डायरी है, उसमें मैं पढ़ा, गुरु जी कहते हैं कि निष्कामता निर्मोहता ये दो चीजें जीवन में आ जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं दो चीजों में सब समाया हुआ है। आदमी को, साधु को, संतों को निर्मोह होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। जो भी काम करें निष्काम पूर्वक, किसी प्रकार की कामना न करें, और प्राणी और पदार्थों से निर्मोह रहें, मोह न करें। मोह करके हम लड़ते झगड़ते हैं। जिसके प्रति मोह है उसके प्रति हम दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं। और मोह है, राग है, इसी कारण से द्वेष भी है, लड़ाई झगड़ा है। यदि ये मोह ना हो तो राग भी नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा। राग है तो द्वेष है। दो पहलू होता है, सिक्के के दो पहलू, किसी भी चीज के दो पहलू होता है। शाम है सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है। यदि हम किसी चीज को पाकर खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं, तो पक्का जानिए आप एक दिन दुखी होंगे, क्योंकि आपने जाना है आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है, प्रसन्नता क्या होती है। प्राणी पदार्थों से मिलने वाले सुख को हम यदि ग्रहण करते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, पक्का है हम दुखी होंगे। यदि हम हंसते हैं तो पक्का जाने हम रोएंगे जरूर। यदि हम प्राणी पदार्थों के लिए हंसते हैं, किसी चीज को हमारे जो अनुकूल है वो मिल जाए, हमारी प्रशंसा कर दे कोई, यदि हम इसमें हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो निश्चित है कोई प्रतिकूल बातें कह दें या हमारे प्रतिकूल कुछ कर दें तो हम रोएंगे, निश्चित है। इसलिए अनुकूलता में चाहे किसी भी अवस्था में हम प्रसन्न ना रहें। प्राणी पदार्थों को लेकर, बाहरी जो चीजें मिल रहे बाहर से, उन चीजों को लेकर हम प्रसन्न ना रहें, खुश ना हो उन चीजों को लेकर, नहीं तो हम दुखी जरूर होंगे।
शमशान घाट में एक व्यक्ति रहता था। उनका जीवन बचपन से ही वहीं पला बढ़ा हुआ, बचपन से ही रहा। वह जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था, केवल जो मुर्दा आता था तो जलाते समय वह इतना कहता था कि सब संसार सब झूठ है, सब माया है, ना पत्नी है ना बाप है, सब माया है, इतना कहता था जलाते समय। इतना ही बात करता था वो और बाकी कुछ नहीं। धीरे से मुर्दा आना बंद हुआ तो वह गांव तरफ चला गया। गांव तरफ जब आया, एक और बात, वह जब संतान में था तो उनके उनके पास तो कुछ नहीं था, जो मिलता था उसी को खा लेता था। वह खुशी क्या है दुख क्या है ये नहीं जानता था, मिला खा लिया बस इतना ही उनका काम रहता था। मुर्दा जला दिया, जो कुछ मिला खा लिया, बस इतने प्रसन्न रहता था, ना कभी हंसता था ना कभी रोता था। जब वो गांव तरफ आया, जब मुर्दा आना बंद हुआ भूख के कारण, वह गांव तरफ आया। अब वह जब गांव तरफ आया तो धीरे धीरे उनमें एक लगाव हुआ, उनके दोस्त बने, तब वह हंसना सीखा, उनको एक लगाव हो गया। और जब वो उनका दोस्त साथी, उनकी जब मृत्यु होती है तब वह रोता है। अब तक इतना जीवन बिता चुका था, वह रोया नहीं था, लेकिन जब उनके साथी कुछ दिन में उनके साथी बन गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो वह अब रोता है। जब वह देखता है कि मैं रो रहा हूं, तो फिर वह शमशान घाट चला जाता है। वो जान जाता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये संसार मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है, और यदि यहां पर रहूंगा तो निश्चित है मैं रोऊंगा, क्योंकि रहूंगा तो मेल मिलाप होगा, जुड़ाव होगा, और जुड़ाव होगा तो एक दिन छूटेगा और फिर रोऊंगा। इसलिए वह फिर शमशान चला जाता है। वह शमशान में रहकर खुश रहता है। हमें अकेले में खुश रहना चाहिए, व्यवहार तो करना पड़ता है, लेकिन ये ना चाहें कि हमें हमारे पास कोई आए, हमसे कोई बात करें, हमें कुछ दे कुछ लें, ये सब कामना छोड़ देनी चाहिए। जो छोड़ देगा वो खुश रहेगा, ऐसा गुरु जी कहते थे। इसलिए कहते थे कि उनकी डायरी में हर पन्ने में हर पेज में ये निर्मोहता और निर्लोभता, निर्मोहता और निष्कामता, ये बातें हर पेज में आती है। छोटे छोटे वाक्य में वो लिखते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं वो हर पेज में आती है। वो केवल निर्मोहता और निष्कामता में ही जोर देते हैं। हमें भी निर्मोहता और निष्कामता को अपनाना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं तो एक कामना रखते हैं, और इसीलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा चेहरा दिखा देता है कि हम कैसे हैं। बाहर से चाहे जितना अच्छा से अच्छा बनने का प्रयास करें, लेकिन लोगों को पता चल जाता है। मैं अच्छी अच्छी बातें करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में सब गुण है, जो मैं बातें कह रहा हूं वो सब मेरे अंदर है। ये तो धीरे धीरे प्रयास करने से आता है, और समाज है तो बोलना पड़ता है। लेकिन निवेदन मेरा यही है कि मैं बोलने की अपेक्षा जीऊं। ये जो बोलता हूं मैं, ये झूठा लगता है, क्योंकि मेरे में तो है नहीं वो, और झूठे झूठे दूसरों की बातें सुनता हूं, पुस्तकों से ले लेता हूं उधार, उसी को बोल देता हूं, और मुझे डर लगता है कि मैं कहीं प्रवक्ता बन गया, ऐसे बोलने की आदत हो गई तो जीवन में उतरेगा कि नहीं ये पता नहीं। जितना चाहिए बोलना, उतना पर्याप्त अगर मिल गया, बोलने आ गया मुझे, और जीवन में नहीं उतरा तो कोई मतलब नहीं है बोलने का। और जीवन में आ गया और ना बोले तो अच्छी बात है। आखिर बड़े बड़े संतों के लिए कहते भी हैं कि वो पहाड़ में रहते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे, कोई आता था तो मौन रहता था। उदाहरण हम देते हैं, सदगुरु विशाल साहब जी के लिए भी कहते हैं, वह समाज में कभी नहीं बोले थे, कोई एकाध आ जाता था उनके शिष्य, तो जब उनका मन होता था तब वो बोल देते थे।
बोलना बहुत जरूरी नहीं लगता हमको, इसलिए बोले अच्छी बात है, प्रवक्ता बनिए, काम आएगा, लोगों को बताना भी पड़ता है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।